नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्वेषक न्यूज़ में। साथियों, यहाँ पर अन्वेषकों से संबंधित एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वायरल हो रही है। क्या है वो समाचार, मैं पहले उस समाचार को पढ़कर बता देता हूँ, फिर बात करते हैं। प्रिय अन्वेषक साथियों, सादर नमस्कार। आप समस्त अन्वेषकों को सादर सूचित किया जाता है कि अपना मानदेय 17,000 कोर्ट केस डबल बेंच में 17 अगस्त को दोनों खंडपीठों यानी कि लखनऊ व इलाहाबाद में लगा है, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। तरफ से दोनों खंडपीठों के अधिवक्ता ससमय उपस्थित रहें, जिसमें फिजिकल हियरिंग हो सके। इलाहाबाद खंडपीठ में होगी व लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान जुड़े रहकर अपना पक्ष रखेंगे। साथियों, विक्रम सिंह के नाम से लिखा हुआ पोस्ट, जिसमें अकाउंट व फ़ोन नंबर, गूगल पे इत्यादि देकर सहयोग के लिए ग्रुप में पोस्ट चल रहा है कि 17,000 केस को फाइनल कराने के लिए आपका सहयोग चाहिए। ये सब मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 17,000 कोर्ट केस के सिंगल बेंच खंडपीठ लखनऊ व इलाहाबाद हम सब जीत चुके हैं, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान लें। जिसमें मार्च 2017 से 17,000 रुपये 9% ब्याज के भुगतान करने का आदेश मिल चुका है, जिसके बाद सिंगल बेंच के आदेश के बाद सरकार कोर्ट गई है। इन आदेशों के खिलाफ सरकार कोर्ट में स्पेशल अपील में गई है, जिसका केस इलाहाबाद खंडपीठ में कुल 4 कोर्ट केस लगे हुए हैं। इलाहाबाद खंडपीठ में कुल 4 केस लगे हुए हैं, जिसका केस स्पेशल सेशन अपील 660/2020 राकेश पटेल व अन्य को मुख्य याची बनाया गया है। उसके साथ में स्पेशल अपील 463/2020 स्पेशल अपील 465/2020 स्पेशल अपील 775/2020 है। लखनऊ खंडपीठ में स्पेशल अपील 399/2019 व स्पेशल अपील 403/2019 को पार्टी बनाई है, जो कि पूर्व माध्यमिक अन्वेषक कल्याण समिति का केस है। इन दोनों इलाहाबाद व लखनऊ के खंडपीठों में कोई भी याचिका विक्रम सिंह के नाम से नहीं है। अगर याचिका है तो याचिका नंबर बताएं कि कौन सा केस नंबर पर है या आप किस नंबर पर केस लड़ रहे हैं। हम सब 17,000 रुपये मानदेय का कोर्ट केस पहले ही सिंगल बेंच में जीत चुके हैं। हम सब केस केवल अपने पक्ष में आए सिंगल बेंच के आदेश को बचा रहे हैं कि इस आदेश में कोई भी छेड़खानी ना होने पाए। आप सभी से आग्रह है कि किसी के भी भ्रमित करने से कृपया भ्रमित ना हों। आप सभी से सहयोग की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। समस्त वकीलों का फीस दिया जा चुका है, किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता अभी नहीं है। दोनों खंडपीठ इलाहाबाद व लखनऊ का कॉज लिस्ट इस पोस्ट में लगा रहा हूँ, जिस केस नंबरों पर माननीय मुख्य न्यायाधीशों के खंडपीठों में सुनवाई होनी है। धन्यवाद। आपका साथी राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक अन्वेषक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। तो साथियों, आपने देखा इस पोस्ट को राकेश पटेल जी के द्वारा पोस्ट किया गया है और उन्होंने समस्त अन्वेषकों को जागरूक किया है इस आर्थिक तंगी में अपने धन की बर्बादी ना करें और भ्रमित समाचारों से दूर रहें। तो ये थी खास रिपोर्ट, मिलते किसी और अपडेट के साथ। बी पॉजिटिव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।